हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मिल रही हूँ आपसे स्कूल में, और स्कूल में रेसेस ओवर हो चुका है। मैंने अपना टिफ़िन एंजॉय कर लिया है फ्रेंड्स, सब स्टूडेंट्स के साथ में। और ये देखिए चल रही है 15 अगस्त। फ्रेंड्स, आज सावन के महीने में हमारे यहाँ ठाकुर जी को भोग लगता है, तो आज मैं भोग लगवाने वाली हूँ। और आज भोग में बनना है श्रीखंड, तो आज मैं श्रीखंड बनाने जा रही हूँ। अभी मैं स्कूल से आई हूँ और बस इसकी तैयारी में लग जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं श्रीखंड। हमारे मंदिरों में, यहाँ जो मंदिर हैं उसमें ठाकुर जी का भोग लगता है झूलों के समय, यानी सावन के जो ये 15 दिन होते हैं रक्षाबंधन के पहले वाले, तो उसमें भोग लगाया जाता है। हर मंदिर में कोई ना कोई भोग लगाते ही है, तो आज मैंने सोचा कि मैं भी अपनी तरफ से भोग लगा दूं। तो आज तैयारी कर रही हूं फ्रेंड्स श्रीखंड की। मैंने ये 5 लीटर दूध ले लिया था, और इसको कपड़े से नहीं छाना है मैंने, ये जो छन्नियाँ थी मेरे पास कुछ उसमें मैंने डाल दिया है, और इससे ये धीरे धीरे पानी इसका छन जाएगा, तो फिर मैं इससे बाद में श्रीखंड बना लूँगी। और ये फ्रेंड्स धीरे धीरे ही ये पानी पूरा छनेगा, तो मैंने 2-3 छन्नियाँ ले ली थी। और इसी बीच मैंने चाय चढ़ा दी थी स्कूल से आने के बाद, और क्योंकि चाय की क्रेविंग होने लगती है हम लोगों को, एक हैबिट सी हो गई है, तो आज ये चाय बन रही है। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया था दूध, तो 2 बजे फ्रेंड्स कौन सा दूध सही रह सकता है, दूध फट गया था, और ये दूसरा जो दूध रखा था उसी से ये फिर चाय बनाई मैंने। और अब मैं चाय छान लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि चाय की क्रेविंग बड़ी गंदी होती है, और इस टाइम मैं भी बनाती हूँ अदरक वाली चाय, क्योंकि अदरक की चाय खाली पेट नुकसान करती है। तो फ्रेंड्स, अब जब तक दही हमारा छनेगा धीरे धीरे करके, तब तक मैं चाय पीती हूँ, आप भी आ जाएं। और ये जो दूध फट चुका है इसका भी मुझे कुछ उद्धार करना है, तो मैंने सोचा कि इसको भी छान करके एक पनीर सा बना लिया जाए, तो उसको भी मैंने छान लिया था। और ये जो आप देख रहे हो ये बना रही हूँ श्रीखंड भगवान के भोग के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो ये देखिए ये कैसी पूरी तैयारी चल रही है, अभी दिखाती हूँ आपको। और ये जो बच गया था नीचे का, वो भी मैंने डबल छन्नी लगा करके छान लिया था, तो बाद में ये मुझे मिला, जो मिक्सर मिला दही का मिश्रण, और ये पूरा छन के ये इतना बचा है फ्रेंड्स, करीब 2-2.5 किलो के करीब बचा था। और फिर इसमें मैंने 1.5 से 2.25 किलो के करीब शक्कर पीस के मिला दी है, और इलायची साथ में डाल दी थी फ्रेंड्स इसके। तो इस तरीके से आज ये श्रीखंड मुझे बन जाएगा। और इसमें मिला दूंगी मैं थोड़ा सा कलर, तो मेरे पास केसर के धागे तो नहीं थे, तो मैंने इसमें मिला दिया है कलर, फूड कलर जो होता है फ्रेंड्स, उसको मैंने मिला दिया है। और वास्तव में ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, और शाम को फिर इसको मैंने मंदिर पहुंचा दिया, ताकि मंदिर में भोग लग जाए। हमारे पास में 2 मंदिर हैं जो थोड़ा ज़्यादा ही वो हैं, मतलब हम लोग विशेष रूप से जाते आते रहते हैं। और थोड़ी चिरौंजी डाल दी थी, क्योंकि इसमें चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कलर, फूड कलर ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और इसकी फिर अच्छे से घुटाई कर दी, तो ये बहुत अच्छा तैयार हो गया था श्रीखंड। इस तरीके से श्रीखंड बनाए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बनता है, यम्मी बनता है। काफ़ी देर तक हम लोगों ने इसको फिर घोट दिया था अच्छे से, तो ये बहुत अच्छा बन गया था। और सावन का महीना है तो भोग प्रसाद चढ़ाना, रात में जब मंदिर से प्रसाद आया तो मैंने प्रसाद इंजॉय किया, और फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और यम्मी प्रसाद था। जब ब्यारी लगती है हमारे यहाँ रात में 11 बजे, तब जाकर के ये प्रसाद बांटा जाता है, और उतनी ही रात को फिर मुझे ये प्रसाद मिला, तो मैंने इंजॉय किया। और फ्रेंड्स, अब आपसे मिलूँगी मैं 15 अगस्त, यानी थर्सडे, ये थर्सडे का वीडियो है फ्रेंड्स। आज फ्लैग होस्टिंग और बच्चों का पूरा उत्साह 15 अगस्त का।
से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से। और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है, कोई डांस की तैयारी की थी किसी ने सॉन्ग किया और सभी बच्चों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। बहुत ही अच्छा लगा आज का दिन, पूरा उत्साह के साथ हम लोगों का। पतन है हिंदू मिला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ला कुसुमिता द्रुमद। और फिर बच्चों को कुछ स्वीट्स वगैरह बांटे और उसके बाद सभी बच्चों ने अपना अपना जो प्रेजेंटेशन था वो दिया, और कुछ बच्चों का रह गया था तो वो भी हम लोगों ने सबका करवा करके, क्योंकि आज के दिन इतने उत्साहित रहते हैं सब बच्चे, तो किसी का उत्साह वो नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने सभी बच्चों को उनके उनके परफॉर्मेंस करवाए और पूरे प्राइज़ वगैरह जो भी देना था उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, और जो भी मतलब मिठाई उठाई थी स्वीट्स वगैरह थी वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस तरीके से आज का दिन ये गुज़रा। और ये कुछ क्लिप्स हैं बच्चों की परफॉर्मेंस की। बच्चे बहुत ही अच्छी अच्छी तैयारियां करते हैं और उत्साह के साथ अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे मेन चीज़ होती है कि वो अपने आप से ही मोटिवेटेड होते रहते हैं कि हाँ ये मुझे करना है या वो मुझे करना है। और इसके बाद मैंने भी अपने स्टाफ के साथ बैठ कर के थोड़ा बहुत स्वल्पाहार किया, और फिर उसके बाद एक मैंने रील भी बनाई, और आज का दिन इस तरीके से गुजरा फ्रेंड्स। दस के आसपास में जाना चाहिए और सभी ने फ्लैग्स ले लिए थे अपने अपने हाथ में। नेशनल फ्लैग हमारा राष्ट्रीय झंडा है, और आसमान इस बात की गवाही दे रहा है कितना खुश नुमा माहौल है पूरा। और ये देखिए सबकी रील्स बन रही हैं, हम लोगों ने रील्स बनाई और एंजॉय किया भरपूर मस्ती के साथ। कोई नारंगी साड़ी में, तो कोई ग्रीन में, तो कोई वाइट में, ऑफ वाइट कलर की साड़ी में। तो फ्रेंड्स आज का दिन बड़ा ही अच्छा रहा, और फ्रेंड्स ये सभी जो मेरी फ्रेंड्स थी सब लोगों ने अपनी कलरफुल साड़ी में चलो अब जीने पे एक एक करके आप उस साइड देख रहे हो। हम अपने मोबाइल की रील्स बनी, कुछ ऐसी ही रील्स बनी, और इस तरीके से आज पूरा खड़े है, और उत्साह के साथ हम लोग आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और वही हम लोगों ने किया और मज़ा आया हम लोगों को भी, और साथ ही साथ कई प्रकार की और कई तरीके से हमारा अच्छा खुशनुमा माहौल बन गया।
और रील्स वगैरह तो खैर ठीक है, आज के चैनल में ये सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ होती है कि हमारे जो आज की पीढ़ी है उन्होंने तो ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं कि आज़ादी कैसे मिली है और कितने संघर्षों के बाद आज़ादी हमारे नेता क्रांतिकारी वीर और सबके बलिदान से लोगों को ये आज़ादी मिली है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने गेम्स वगैरह खेले, स्टार्टर खाया और फ्रेंड्स भी आ गए थे। फ्रेंड्स इस तरीके से आज का कुछ मिला जो उसमें चली गई क्या वो दिन गुजरा। आपने कैसे सेलिब्रेट किया आज के दिन को और ये देखिए ये कुछ रील्स क्लिप्स रह गए थे, इस तरीके से बहुत इंजॉय किया आज हम लोगों ने। लेकिन सबसे अहम बात जो होती है कि हमारी जो आज की पीढ़ी है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाती है कि हम लोगों ने किस तरीके से इन सब चीज़ों को पाया है, हासिल किया है, कितनी संघर्ष कितनी बलिदान नहीं हुए आज के इस दिन को पाने के लिए और कितनी गुलामी में हमारा देश रहा और उसके बाद हम लोगों ने आज़ादी पाई है। तो ये सब भावनाएं हमें अपने बच्चों को भी देनी है ताकि आगे की पीढ़ी जो है इन सब चीज़ों को समझ सके कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी होती है और एक परिश्रम होता है, संघर्ष होता है। आज जो हम ये झंडा लेकर झंडा इम्पोर्टेंस है, बच्चों को जानकारी देनी चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो ये ना भूले कि हम लोगों ने कितने संघर्षों के बाद आज के दिन को पाया है और जो बलिदान हमारे क्रांतिकारी वीरों ने दिया है और जिनको कभी हम लोगों ने जाना नहीं सुना नहीं उनके बारे में भी हमें ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। और आज के दिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो दिन है इसको बताना चाहिए सब लोगों के घर पर। सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आज की जो पीढ़ी अधिकांश तक करती है कि रील्स बनाना और ये सब करना, लेकिन उसकी जो महत्व है उसके महत्व को भी समझे और जाने और ये हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ी को ये ज़रूर बताए। अगर वो शिक्षक है तो अपनी शिक्षा के माध्यम से अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हर किसी को ये सब जानकारी दे कि आज का दिन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ ये नहीं कि हमने हरे नारंगी और सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो हम देशभक्त हो गए। हम देशभक्त तब होंगे जब हम देश के लिए समर्पित होंगे और देश के लिए जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कपड़े पहन लेने से या झंडा फहरा लेने से ही हमारी देशभक्ति हो जाती है। देशभक्ति के लिए हमें कई तरीके से सोचना चाहिए। देश के लिए हमें जिस प्रकार से हम साफ सफाई रखते हैं हमें देश की साफ सफाई रखनी चाहिए। देश में जो भी सरकारी चीज़ है उनको हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए और हमें प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें मैनेज करके रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें अपने तभी हमारा जीवन सफल होगा। और फ्रेंड्स 15 अगस्त ना ही एक दिन है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व होने के नाते हम इसे बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं और लेकिन आजकल देखने में बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ और स्थितियाँ आती हैं जो कि मन को बहुत ही दुखी करती हैं। तो ऐसा ना हो फ्रेंड्स और हम लोग सब लोग आज के दिन को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएं, अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को बताएं, अपने भाभी जो बच्चे हैं नानी नाम हैं तो आगे बड़े होकर के एक प्रतिनिधित्व करेंगे अपने देश का। तो हमें हमेशा उनको अच्छी बातें ही सिखानी हैं और उनके जीवन को आगे बढ़ाना है, अग्रसर करना है
कि वो अपना अच्छी अच्छी फील्ड्स में जाएं, अच्छी अच्छी फील्ड्स में वो अपना जॉब देखें और देश के प्रति जो उनका कर्तव्य बनता है वो करें। और ये नहीं कि सिर्फ रील्स बनाएं और रील्स बनाने में ही सारा समय बर्बाद करें, पढ़ाई के साथ साथ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ भी करें ताकि हमारा देश हमेशा अच्छा रहे और हमेशा अच्छा बना रहे, पूरे विश्व में उसका नाम हो और पूरे विश्व में हमारे देश का जो झंडा है तिरंगा, इसका परचम लहराए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ